अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th क्लास मैथमेटिक्स फॉर साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्केल। तो जो मैंने एक वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, नंबर 1 था फैक्टराइजेशन मेथड और नंबर 2 था कंप्लीटिंग स्केल। तो फैक्टराइजेशन मेथड तो मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर दिया है, तो आज के क्वेश्चन में हमारे पास मेथड है कंप्लीटिंग स्केल। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर स्टेप की क्लियरली समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कंप्लीटिंग स्केल है, उस मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो आपने ये फार्मूला पिछली क्लासों में पढ़ा ही होगा, तो ये फार्मूला इसमें यूज़ होना है। अगर दरमियान में माइनस आ जाए, ए माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो अगर हमारे पास दरमियान में माइनस आ रहा है तो 2ab के साथ माइनस आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों फार्मूले हमारे पास कंप्लीटिंग स्केयर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होने हैं, तो आपको ये दोनों फार्मूले आते होने चाहिए। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन है हमारे पास 7x स्केयर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको बाय कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, 7x स्केयर प्लस 2x इज इक्वल टू, ये माइनस 1 है, उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास पहला स्टेप है। और स्टेप नंबर 2 है हमारे पास, तो एक्स स्केयर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 7 है, हमने इसको सब के साथ डिवाइड करवा देना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा डिवाइडेड बाय 7, हमने सारी टर्म के साथ 7 को डिवाइड करवा दिया। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा कि आपने सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को उस तरफ ले जाना है, और दूसरे स्टेप में जो हमारे पास एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट है जो भी इधर होगा हमने सबके साथ डिवाइड करवा देना। तो डिवाइड करवाएंगे तो मेरे पास 7 7 कैंसिल, एक्स स्केयर प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1/7, जो कैंसिल हो रहा था मैंने कर दिया, बाकी सब एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स, अब हमने स्केयर कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे, x को मैं लिखूंगा एक्स स्केयर ब्रैकेट में प्लस 2, मेरे पास है फार्मूले का जो मैंने शुरू में आपको फार्मूला लिखवाया है। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो x है, और सेकंड टर्म मैंने क्या लेनी है, वो इस तरह लेनी है कि मेरे पास ये जो टर्म है वो फुलफिल हो। तो 2x मेरे पास आ रहा है, 2x आ रहा है, ओवर 7 चाहिए, तो मैं जो सेकंड टर्म है उसको 1/7 लूँगा। अब स्टूडेंट्स देखें, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 2x 1 ऊपर 2x आ जाएगा और ओवर में 7 आ जाएगा, तो ये जो हमारे पास टर्म आई है वो इसी के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, सेकंड टर्म आपने इस तरह लिखनी है कि आप इसको सॉल्व करें वो इसी के इक्वल आए। तो अब सेकंड टर्म का जो है वो स्केयर आ जाएगा, ठीक हो गया। जैसे हमारे पास फार्मूला था ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यही फार्मूला होता है ना, तो हमने इसको भी फार्मूले की फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमने क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्केयर सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास स्केयर का फार्मूला है इज इक्वल टू 1/7। तो स्टूडेंट्स हमारे पास थी ये टर्म एक्स स्केयर प्लस 2x/7, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये ही मेरे पास इक्वल बनता है। तो ये तो मैंने फिर ऐड की है ताकि मेरे पास स्केयर कंप्लीट हो। तो अगर इक्वालिटी में आप जो भी इस तरफ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो आपने उस तरफ भी करनी होती है, तो आपके पास इधर भी 1/7
का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, एक्स प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7। 1/7 का होल स्क्वायर है तो 1/7 का स्क्वायर हमारे पास 49। तो ये तो हमारे पास स्क्वायर में क्लोज हो गया और इसको मैंने सॉल्व करके लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अब एक्स प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हमारे पास फ्रैक्शन में टर्म है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 49 एलसीएम आ जाएगा। 49 और 49 को डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, 49 और 7 तो हमारे पास इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 7, 7 आर 49। तो 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 7, दरमियान में प्लस है तो इधर मेरे पास 7/8/49 और ये एज इट इज। तो स्टूडेंट्स अब मैंने स्केयर को ख़त्म करना है दोनों तरफ, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1/7 स्केयर और ऊपर स्केयर रूट 8/49 और स्केयर रूट। तो स्टूडेंट्स स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल तो इधर आ जाएगा एक्स प्लस 1/7 इज इक्वल टू 8 का जो स्केयर रूट है वो एज इट इज प्लस माइनस ओवर 7, 49 का स्केयर रूट हमारे पास 7 आ गया। तो स्टूडेंट्स इधर से मेरे पास एक्स इज इक्वल टू ये प्लस 1/7 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट 8/7 एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में हमारे पास जो 7 है वो एलसीएम आ जाएगा तो अंडर रूट 8 प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में माइनस 1 एज इट इज़ प्लस माइनस 8 को हम 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं ओवर 7 इज इक्वल टू माइनस 1 एज इट इज़ प्लस माइनस जो 4 है उसका अंडर रूट हमारे पास 2 होता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट एज इट इज़ ओवर 2। तो स्टूडेंट ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। तो इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे माइनस 1 प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 ओवर 7 तो ये आपके पास आंसर आ गए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 था और पार्ट नंबर 3 और 4 और 8 ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम पैटर्न पे हैं तो आप खुद ट्राई करें। हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, जो ए है हम कभी भी 0 नहीं ले सकते इस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स दरअसल ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं, इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट है वो एक्स स्क्वायर के साथ ए आ रहा है, ठीक है, और जो सी कांस्टेंट है वो ए आ रहा है। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन में हम ए को 0 नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पहला स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो माइनस ए है जो कांस्टेंट टर्म है हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, प्लस ए आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है हम उसको सब के साथ डिवाइड करवाते हैं तो ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस 4x ओवर ए इज इक्वल टू ए ओवर ए। तो मैंने ए को डिवाइड करवा दिया तो जो कैंसिल हो रहा है मैं उसको कैंसिल करूँगा और बाकी सब एज इट इज़ आ जाएगा और इधर 1। तो स्टूडेंट्स अब हमने स्केयर कंप्लीट करना है, एक्स को मैं लिखूँगा एक्स स्केयर प्लस 2 फार्मूले का और फर्स्ट वाली तो हमारे पास एक्स ही है। तो स्टूडेंट्स अब सेकंड वाली मैंने इस तरह लेनी है कि इसको वो कंप्लीट करे तो 2x जो हमारे पास एक्स है वो ऊपर आ रहा है और जो 4 है इधर मैं 2 लूँगा, 2 2 4 और साथ एक्स आ गया और ओवर में ले लूँगा ए 4x ओवर ए। तो ये मेरे पास जो टर्म है वो इसके इक्वल आ रही है 2 2 4
और साथ एक्स ओवर ए। तो जो हमारे पास सेकंड टर्म आई है वो आई है 2 ओवर a, तो मैं इसको स्केयर में लिखूंगा क्योंकि मैंने स्केयर कंप्लीट करना है, इज़ इक्वल टू 1। तो जो इक्वालिटी में हम इस तरफ को टर्म ऐड करते हैं तो हमने उस तरफ भी ऐड करनी है 2 ओवर a होल स्केयर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास स्केयर कंप्लीट हो जाता है एक्स प्लस 2 ओवर a का होल स्केयर इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्केयर 4 और नीचे a स्केयर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में हम स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैं दोनों तरफ स्केयर रूट लूँगा 2 ओवर a होल स्केयर अंडर रेडिकल साइन इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो जब हम स्केयर रूट लेते हैं तो दोनों तरफ जब हम स्केयर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस साइन दोनों आते हैं, तो हमारे पास आ रही है 1 प्लस 4 ओवर a स्केयर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में मैं ए स्केयर को एलसीएम ले लूँगा तो मेरे पास 4 प्लस 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर आ जाएगा। इधर मेरे पास स्केयर और अंडर रूट कैंसिल, एक्स प्लस 2 ओवर a। तो स्टूडेंट्स अब ए स्केयर प्लस 4 ओवर a स्केयर के ऊपर होल अंडर रूट है, तो जो स्केयर रूट और स्केयर है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास ए स्केयर प्लस 4 ओवर a अब इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ए स्केयर और स्केयर रूट ये कैंसिल होके a आ गया और बाकी टर्म एज इट इज। तो इस तरफ हमारे पास x प्लस 2 ओवर a। तो स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इधर से मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 4 ओवर a अंडर रेडिकल साइन, ये प्लस का 2 ओवर a है तो इधर आगे माइनस का 2 ओवर a हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू जो a है वो एलसीएम आ जाएगा तो माइनस 2 प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4 अंडर रेडिकल साइन। तो स्टूडेंट्स आप इसे रेंज करके लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4 अंडर रेडिकल साइन ओवर a। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे माइनस 2 प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4 अंडर रूट ओवर a। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है ये सेम पार्ट नंबर 2 के पैटर्न पे है, उसमें हमारे पास जो है कांस्टेंट टर्म एल एम और एन आ रही हैं, तो आप खुद ट्राई करें। हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 है माइनस एक्स स्केयर प्लस 15 ओवर 2 इज़ इक्वल टू 7 ओवर 2 एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दोनों टर्म फ्रैक्शन में आ रही हैं, डिवाइड हो रही हैं 2 के साथ, जो डिनोमिनेटर है हमारे पास 2 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ सारी टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई 15 ओवर 2 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 एक्स। तो इधर से मेरे पास माइनस 2 एक्स स्केयर आ जाएगा और इधर से 2 कैंसल प्लस 15 इज इक्वल टू 2 कैंसल और 7 एक्स। तो मैंने इसको अब रीअरेंज करना है नेक्स्ट टाइम में। तो जो हमारे पास एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन में है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 एक्स स्केयर और प्लस 7 एक्स और प्लस 15 इधर आके माइनस 15 हो जाएगा तो इधर 0 रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको मैं सीधा करके लिख सकता हूँ 2 एक्स स्केयर प्लस 7 एक्स माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको अब हमने बाय कंप्लीटिंग स्केयर सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या स्टेप है नेक्स्ट, 2 एक्स स्केयर प्लस 7 एक्स इज़ इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म को आप उस तरफ ले जाते हैं प्लस 15। अब जो हमारे पास एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट है उसको सबके साथ डिवाइड करवा देना है, तो 2 एक्स स्केयर ओवर 2 प्लस 7 एक्स ओवर 2 इज़ इक्वल टू 15 ओवर 2, ये कैंसिल हो रहे हैं तो एक्स स्केयर प्लस 7 एक्स ओवर 2 इज़ इक्वल टू 15 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स अब मैंने स्केयर कंप्लीट करना है, फर्स्ट टर्म तो मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, और फर्स्ट टर्म हमारी यही है
तो स्टूडेंट सेकंड टर्म मैंने इस तरह लिखनी है कि इसको वो पूरा करे, ठीक है। तो इधर से मेरे पास आ जाएगा 7/4। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें 2 और 4 कैंसिल होके मेरे पास 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो इधर मेरे पास 2 आ जाएगा और 7x ऊपर है और नीचे क्या आ जाएगा 2। तो ये जो टर्म है वो इसको फुलफिल कर रही है। तो सेकंड टर्म हमारे पास आ गई ये, इसको भी मैं स्केयर में लिखूंगा क्योंकि मैंने स्केयर कंप्लीट करना है। इज इक्वल टू इक्वालिटी में हम जो इस तरफ ऐड करते हैं हमने उस तरफ भी ऐड करना है, प्लस 7/2 होल स्केयर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में मैं स्केयर को क्लोज करूंगा, तो जो फर्स्ट टर्म एक्स स्केयर है और जो लास्ट टर्म है 7/4, इसको हम लिखेंगे होल स्केयर में। तो ये हमारे पास स्केयर क्लोज हो गया, इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/2 का स्केयर है, तो 7 का स्केयर मेरे पास 49 और 4 का स्केयर 16। तो स्टूडेंट्स अब मैं एलसीएम लूँगा, 16 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 16 को 16 से डिवाइड करें तो 1, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो 49, 2 को 16 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 8, 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा 120। तो स्टूडेंट्स अब इनको ऐड अप करूँगा तो मेरे पास 169/16, तो इधर x प्लस 7/4 का होल स्केयर। तो स्टूडेंट्स अब मैंने स्केयर को ख़त्म करना है, तो मैं बोथ साइड जो है वो स्केयर रूट लूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 7/4 स्केयर अंडर रेडिकल साइन इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब हम स्केयर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, और इधर से मेरे पास आ जाएगा 169/16 स्केयर रूट कैंसल, तो इधर से मेरे पास आ जाएगा x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 का जो स्केयर रूट है वो मेरे पास होता है 13 और 16 का स्केयर होता है मेरे पास 4। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ये प्लस 4/7 है तो मैं इस तरफ ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस 13/4 एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में मैं 4 को एलसीएम ले लूँगा, 13 प्लस माइनस माइनस 7। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास x की टर्म आ गई है माइनस 7 प्लस माइनस 13/4, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखूँगा और एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि मेरे पास प्लस माइनस में है माइनस 7 माइनस 13/4। तो स्टूडेंट्स माइनस 7 प्लस 13 तो मेरे पास आएगा 6/4 और माइनस 7 माइनस 13 दोनों को ऐड करूँगा, माइनस 7 और माइनस 13 दोनों प्लस होंगे और जो साइन है वो मेरे पास माइनस का ही आएगा, 13 और 7 मेरे पास आ गए 20/4। तो इधर से 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो मेरे पास 3/2 और इधर से 4 1s are 4 5s are तो -5। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया x। तो स्टूडेंट्स ये आपकी x की वैल्यू आ गई हैं, इनको आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9, 4 - 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5/3x + 1। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास टर्म फ्रैक्शन में आ रही हैं, तो सेम उसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो हमारे पास टर्म डिवाइड हो रही हैं उसको सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3x + 1 × 4 - 3x + 1 × 8/3x + 1 = 3x + 1 × 3x² + 5/3x + 1। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, 3x + 1 को सब के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया,
तो इधर से मेरे पास 4 मल्टीप्लाई करेगा तो 12 लैक्स और 4 वन ज़ार 4। स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हो के मेरे पास -8 आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो के मेरे पास इज इक्वल टू 3x² + 5। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूँगा, 3x² + 5 एज इट इज़, और इधर 12x - 8 और 4 - 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब मैंने ये टर्म उस तरफ लेके जाना है और इधर रह जाएगा 0 3x² - 12x + 5 और -4 इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो इसको मैं सीधा करके लिखूं तो 3x² - 12x और इधर से मेरे पास 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स उधर से 3 कामन आ रहा है, 3 को कामन लें तो इधर x² रह जाएगा, -12 है तो 4 3 4 ज़ार 12 एक्स प्लस 9 है तो 3 3 ज़ार 9। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, इधर आके डिवाइड करेगा तो मेरे पास 4x + 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और आपने सेम जो हमने पहले पार्ट किए हैं उसी पैटर्न पे होने हैं, कांस्टेंट टर्म को इस तरफ ले आए, ठीक है। फिर इसका आपने स्केयर कंप्लीट करना है, जो मैंने प्रीवियस पार्ट किए हैं सेम उसी पैटर्न पे हैं, बस वैल्यू चेंज है, नंबर चेंज है, तो आप खुद ट्राई करें हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।